ब्रह्मांड पे। पहले अपना जो भी क्लास हुई थी उसमें यूनिवर्स ब्रह्मांड के बारे में चर्चा की, आज उसी से ठीक आगे बढ़ रहा हूं मैं और वो बात कर रहा हूं किस पे, सौर मंडल पे। अपना जो चैप्टर है वो क्या है, सौर मंडल, जो ज्योग्राफी का चैप्टर है। सौर मंडल होता क्या है, सौर मंडल किसको सौर मंडल के नाम से जाना जाता है, किसको सौर मंडल कहेंगे, तो आपको बताऊं मैं, ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्का, क्षुद्र ग्रह, जितने भी ये हैं सभी को संयुक्त रूप से किसके नाम से जाना जाता है, सौर मंडल के नाम से जाना जाता है। और सौर मंडल है इसका जो जनक कहा जाता है किसी को, तो वो किसको कहते हैं, सूर्य को कहते हैं। सौर मंडल का जनक क्या है, सूर्य। और सूर्य के चारों ओर एक ग्रह उपग्रह है इस समीचर तत्व का। अब बात आती है कि सौर मंडल का जो जनक सूर्य कहा जाता है, ये सूर्य है हमें क्या देता है, ऊर्जा देता है, ऊर्जा देता है सूर्य। अब सूर्य ऊर्जा कैसे देता है, ये है क्या एक्चुअल में, तो आपको बताऊं यूनिवर्स जो ब्रह्मांड में सूर्य बना हुआ है, ये सूर्य को एक गैसीय तारा बताया गया। क्या बताया गया, गैसीय तारा बताया गया है, या इसको कहूंगा तो गैस का एक पुंज है, गैस का पुंज है या एक तारे के तौर पर इसको और जाना जाता है। अब ये गैस के पुंज है, ये ऊर्जा कैसे देता है, ऊर्जा एनर्जी कैसे प्राप्त करते हैं हम लोग इससे, तो इसके अंदर क्या होता है कि हाइड्रोजन होते हैं इसमें जो सबसे ज्यादा, और गैसों का घनत्व पाया जाता है वो किस गैस का पाया जाता है, हाइड्रोजन का। और जो हाइड्रोजन परमाणु है इसके वो नाभिकीय संलयन विधि के द्वारा और किस में परिवर्तित होने लग जाते हैं, हीलियम में परिवर्तित होने लग जाते हैं। तो हीलियम में जब परिवर्तित होते हैं हाइड्रोजन, तो उस घटना को हम क्या कहेंगे, नाभिकीय संलयन कहेंगे। और जो हमें ऊर्जा देता है वो एक किस आधार पे देता है, नाभिकीय संलयन के आधार पे। अब कई बार जनरल साइंस में क्वेश्चन आता है कि सूर्य किस सिद्धांत पे काम करता है, तो सूर्य किस सिद्धांत पे काम करता है, नाभिकीय संलयन पे काम करता है। ऐसे ही क्वेश्चन और आता है, और क्वेश्चन क्या आता है, हाइड्रोजन बम, हाइड्रोजन बम काम किस सिद्धांत पे करता है, तो हाइड्रोजन बम जो काम करता है वो किस सिद्धांत पे करता है, इसी नाभिकीय संलयन पे करता है, ये जनरल साइंस में पूछा जाता है। अब बात आती है इसके आगे कि जो ये सूर्य है, थोड़ा सा डायग्राम बना के समझा रहा हूं आपको, ये सूर्य है, ये सूर्य जो एनर्जी देता है इसका जो केंद्र भाग है उस केंद्र भाग को क्या कहा जाता है, इस केंद्रीय भाग को क्या कहते हैं, क्रोड़ कहते हैं। सूर्य का जो केंद्रीय भाग है उसे क्या कहा जाता है, क्रोड़ कहा जाता है। और हमने पढ़ा है कि जो सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पहुंचती हैं ये अपना धरातल बना होगा, तो सूर्य की किरणें धरती पर पहुंचती हैं वो किस माध्यम से आती है, विकिरण माध्यम से। कौन से माध्यम से आते हैं, विकिरण। और कंपटीशन में कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है, जो अगर दूसरे तीसरे एग्जाम में रिपीट होता है, कौन सा क्वेश्चन है वो कि सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लेती है, 8 मिनट 20 सेकंड का समय लेती है, ये लेती है ना, अभी 8 मिनट 20 सेकंड का समय लेती है पृथ्वी पर पहुंचने में, तो इसमें कौन सा ये माध्यम काम करता है, विकिरण माध्यम काम करता है। जो बाह्य भाग हमें दिखाई देता है सूर्य ग्रहण होता है, और उस समय में हमें इसका कौन सा भाग दिखाई देता है, कौन सा होता है वो, कोरोना। कि सूर्य ग्रहण जब होता है, सूर्य ग्रहण अमावस्या कभी होगा, डेडिकेट होता है अमावस्या के दिन होगा, वो कभी नहीं होगा, अमावस्या अनुस्थिति को कहा जाता है। तो उस बाह्यतम भाग को क्या कहते हैं, कोरोना कहते हैं। लेकिन ये तो सूर्य ग्रहण की बात हुई, अब बात आती है कि आमतौर पर हम जो प्रकाश ग्रहण करते हैं, प्रकाश देखते हैं या उससे प्राप्त करते हैं, जो भाग हमें दिखाई देता है उस भाग को क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश मंडल कहते हैं। जिससे हम और क्या करते हैं, बाह्य भाग जो हमें दिखाई देता है सामान्य रूप से उसको क्या कहते हैं, प्रकाश मंडल के नाम से जाना जाता है। अब एक क्वेश्चन और रिपीट होता है, और क्वेश्चन क्या रिपीट होता है कि सूर्य से हमें कौन सा विटामिन मिलता है, विटामिन डी, भैया विटामिन डी हमें सूर्य से नहीं मिलता है, हमने पढ़ा है कि विटामिन डी कहां से मिलता है, सूर्य से मिलता है, लेकिन एक्चुअल में बताऊं मैं तो विटामिन डी है हमें अंडों से।
एक्टिव करती है बस, सूर्य किरणें क्या करती है, एक्टिव करती है। और भैया एक्टिव भी कब करती है, सुबह के समय करती है, कभी दोपहर में 1 बजे धूप में मत बैठ जाना कि विटामिन डी ले रहा है, एक तो हालत ही वैसे खराब और ज्यादा खराब हो जाएगी। तो सुबह के समय जो रोशनी होती है उससे विटामिन डी क्या होता है, एक्टिव होता है। विटामिन डी हमें सूर्य से मिलती है, हालांकि पढ़ने का तरीका यही है कि विटामिन डी कहाँ से मिलती है, विटामिन डी एक्टिव किससे होता है, सूर्य की रोशनी से एक्टिव होता है। ठीक है, फिर बात आती है इसकी कि भाई सूर्य है और इसका एक ग्रह भी है, और वो ग्रह पर हालांकि ग्रह और भी है लेकिन जिसपे जीवन संभव है या जीवन जिसके ऊपर है वो कौन सा है, इसका ग्रह पृथ्वी। तो पृथ्वी जो ग्रह है सूर्य का, इसके साथ में इसका पॉपुलेशन बढ़ा हुआ है, क्यों, क्योंकि मनुष्य जीवन इसी में संभव है और किसी पे नहीं है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि अपसोर क्या होता है, उपसोर क्या होता है। तो थोड़ा सा ध्यान से देखना आप, अपसोर उपसोर की गणना बहुत इंपोर्टेंस रखने वाला है। ये क्या है, सूर्य है, ये सूर्य बनाया मैंने जैसा भी है। अब है ये पृथ्वी, पृथ्वी क्या करती है, हमने सुना है या हमने पढ़ा है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और अपने अक्ष पे भी घूमती है। ये मानो सूर्य है, ये पृथ्वी है, ये चारों ओर किसके चक्कर लगा रही है, सूर्य के चारों चक्कर, लेकिन अपने अक्ष पे भी तो घूम रही है धीरे धीरे, और अपने अक्ष पे घूमती है तो क्या पड़ता है, विकास पड़ता है, और चारों ओर घूमती है तो क्या होता है, ऋतु में परिवर्तन होता है। तो आपको समझना ये है कि ये जब इसके चारों चक्कर लगाती है तो एक समय ऐसा होता है जब ये इसके चारों चक्कर लगा रही होती है तो पृथ्वी अपनी औसत दूरी से सबसे ज्यादा दूर चली जाती है, किससे, सूर्य से। मान लो ये इतना पास पास घूमती है इसके, लेकिन कुछ दूरी से और ज्यादा दूरी पर चली जाती है, उस घटना को क्या कहते हैं, ये इसको अपसोर की घटना कहते हैं। क्या कहते हैं, अपसोर की घटना कहते हैं। और भैया ये एक फिक्स डेट है, उसी दिन होता है। मैं कहूँ आम तौर पे जो पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है उससे ज्यादा दूर वो चली जाती है, उसी घटना को क्या कहते हैं, अपसोर की घटना। और अपसोर की घटना कब घटित होती है, 4 जुलाई को घटित होती है, कि पृथ्वी है वो सूर्य से सबसे ज्यादा दूरी पर स्थित होगी, उसी घटना को क्या कहेंगे, अपसोर की घटना कहेंगे। और इसे इंग्लिश में भी कई बार पूछ लिया जाता है, जब आप सीजीएम के पेपर में बैठते हो या स्टैंडर्ड के ज्योग्राफी के पेपर में बैठते हो, सब्जेक्ट विशेष में बैठते हो, तो इसे क्या कहते हैं, एपीहेलियल इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे, एपीहेलियल कहा जाता है। अब भैया ये जो ज्यादा दूर स्थित होती है तो कभी पास भी तो आती होगी, उस पास की घटना को हम क्या कहेंगे, तो वो थोड़ा सा वोल्टेज हो गया। ऐसे ही पास में जिस दिन होगी पृथ्वी, जिस दिन सबसे पास से होगी उस घटना को हम जो नाम देंगे वो नाम क्या देंगे, उपसोर। इस घटना को क्या नाम देंगे, उपसोर की घटना। और उपसोर की घटना कब घटित होती है, 3 जनवरी, कि जब चारों ओर ये परिक्रमा करती है सूर्य के, उस समय में एक समय ऐसा आता है कि औसत दूरी से अपने सबसे पास में पृथ्वी इसकी होती है, उसी घटना को उपसोर कहते हैं, या इंग्लिश में बोलो तो इसको क्या कहते हैं, परिहेलियन के नाम से इसको जाना जाता है। और ये जो होगा एक फिक्स डेट इसकी, वो कब होगा, 3 जनवरी को। तो ये जो सौरमंडल है इनमें से बहुत से क्वेश्चन पूछा बोलते हैं, और भी बताए जाएंगे आपको, लेकिन उसके लिए आपको हमारा अगले वीडियो का अपडेट करना पड़ेगा।